भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन मुंबई टू अहमदाबाद से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आई है। हमारे देश की पहली बुलेट ट्रेन के लिए NHSRCL नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर लिमिटेड ने हाल ही में एक एग्रीमेंट पर साइन किया है, जिसमें बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक्स और इस बुलेट ट्रेन से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वर्क इसमें शामिल हैं। वैसे फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जापान भारत की पूरी तरह से मदद कर रहा है इस फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में, और हमारे भारत के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी भी इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काफ़ी तेज़ी से काम करवा रहे हैं। वैसे इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी NHSRCL जापानी बुलेट ट्रेन सिंकांशन में यूज़ की जाने वाली गिट्टी रहित बैलिस्टलेस स्लैब ट्रैक सिस्टम को यूज़ करेगा भारत पहली बार, और ये जापानी बुलेट ट्रेन सिंकांशन में यूज़ की जाने वाली टेक्नोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी और काफ़ी आरामदायक राइडिंग भी मिलेगी पैसेंजर्स को। वैसे फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं जापान पूरी तरह से लैस है बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी से, और इनके पास काफ़ी अच्छी और एडवांस स्मार्ट टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन कंस्ट्रक्शन के लिए, और इन टेक्नोलॉजी को अब भारत भी अपनाएगा। हाल ही में NHSRCL ने इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे के लिए रेलवे ट्रैक को डिज़ाइन, सप्लाई और भी इस बुलेट ट्रेन से रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन है उसे पूरा करने के लिए इन दोनों के बीच एग्रीमेंट तो साइन हो चुका है, और अभी फ़िलहाल ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो बड़ौदा और वापी के बीच 237 किलोमीटर तक ही कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए है, और इसके बाद T2 पैकेज के तहत अपकमिंग मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए होगा। वैसे हमारी भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन का इंतज़ार तो हम सभी को काफ़ी लंबे समय से है, लेकिन फिलहाल इसके कंस्ट्रक्शन का काम तो अभी चल रहा है, और जापान भी भारत की पूरी मदद कर रहा है, चाहे वो इंजीनियर से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे ट्रैक के कंस्ट्रक्शन हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो और भी कई सारी चीज़ें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।